करनाल जिला वासियों के लिए अभी एक अच्छी खबर सामने आई है कि अब करनाल में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं रहा है। आपको बता दें कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल अभी दो रिपोर्ट आने के बाद मरीजों को डिस्चार्ज किया जाएगा। आपको बताते चले कि करनाल जिले में पहले आए 6 कोरोना मरीजों से हड़कंप मच गया था और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। उसके बाद 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उसको भी डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब 2 मरीज थे, उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 2 रिपोर्ट आने के बाद उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस बारे में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के निदेशक जगदीश दुरेजा ने बताया कि फिलहाल जिले में कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं है। फिलहाल यह जिले वासियों के लिए अच्छी खबर है। निदेशक ने बताया कि अब सभी सैंपल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लैब में ही टेस्ट किए जा रहे हैं और सब रिपोर्ट्स नेगेटिव मिली हैं। इन मरीजों को 2 रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। क्या कहने हैं आप अपने यहाँ पर दो मरीज थे, वो भी कोरोना नेगेटिव आए हैं, तो पूरी मामला अभी आपको जैसे पता है कि पहले हमारे पास 5 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे, जिनमें से 3 की रिपोर्ट पहले नेगेटिव आ चुकी है। अभी हमारे पास 2 ही मरीज जो मीनू और रविंदर हैं वो बचे हुए थे, उनका भी आज जो टेस्ट रिपोर्ट रिसीव हुई है वो नेगेटिव है और इनकी दूसरी रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी जो उसके बेसिस पे निर्णय ले लिया जाएगा इनको डिस्चार्ज कर दिया। अभी तक कितने मरीज यहाँ पर भर्ती हुए थे, कितने भी डॉक्टर हमारे पास टोटल जो है 6 मरीज थे, जिनमें से 1 को चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी और जो बाकी के 3 पेशेंट थे उनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था और बाकी के जो 2 पेशेंट हमारे पास हैं उनमें से उनकी दोनों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और दूसरी रिपोर्ट का इंतजार है। तो अभी तक ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ही टेस्ट चल रहे हैं, ये जो टेस्ट हो रहे हैं एक्चुअली अब हमारे पास कल्पना चावला की जो लैब है उसी में हो रहे हैं और हमने जो आसपास के जिलों के सिविल सर्जन हैं उनको भी मैसेज दे दिया है कि कृपया करके अपने जिलों के सैंपल्स भी यहाँ भिजवाएँ ताकि हम उनके टेस्ट करके और उचित टाइम में उनकी रिपोर्ट मुहैया करा देंगे। आम जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आम जनता को यही कहूँगा, करनाल की वासियों को यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके पैनिक ना हो, दूरियाँ मेंटेन करें, जो सोशल डिस्टेंस है उनको मेंटेन करें और जब तक जरूरत ना हो अपने घर से बाहर ना निकलें, फ्रीक्वेंटली हाथ धोएं और ये सब सावधानियाँ उनको कोरोना से बहुत दूर रखेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.